हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो इंडियन गर्ल इन यूरोप का। आज जो है वो गर्ल्स के लिए मैं वीडियो बना रही हूँ। तो मैंने कुछ टाइम पहले शॉपिंग करी थी और बिकॉज स्प्रिंग और समर आने वाला है तो मैंने सोचा क्यों ना मैं एक चैलेंज लूँ कि मैं अपना स्टाइल जो है वो चेंज करूँ। बहुत टाइम से बहुत बोर हो गई हूँ विंटर वेयर पहन के। बहुत मतलब आप ये समझ लो पूरे टाइम ढके रहना पड़ता है। एंड नाउ एज यू सी दैट कि टेम्परेचर जो है वो चेंज हो गया है और मैं आपको एक ऑनलाइन वेबसाइट जो कि बेसिकली एशियन वेबसाइट है उसके बारे में सब कुछ बताऊंगी और उसके जो ट्रेंडी चीप क्लोथ्स हैं उसके बारे में बताऊंगी। तो आप लोग पूरा वीडियो देखना और आपको मैं अच्छे से रिव्यू दूंगी इस पर्टिकुलर वेबसाइट के और जो क्लोथ्स मैंने मंगाए हैं। तो लेट्स गो एंड स्टार्ट दिस वीडियो। मैंने आपको बोला था कि मैं आपको एक चीप ट्रेंडी वेबसाइट के बारे में बताने वाली हूँ और सो आई हैव रिसीव्ड दिस गारमेंट्स जो कि आई एम श्योर कि देख के तो आपको नहीं समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या चेंज करने वाली हूँ। और ये वीडियो बनाने का मोटिव जो है वो सिर्फ ये है कि मुझे इंस्टाग्राम पे आप लोग बहुत ज़्यादा मैसेज करके या मुझे ईमेल करते हो या फिर मैसेज करते हो या कमेंट करते हो और मुझसे पूछते हो कि आप कपड़े कहाँ से खरीदते हो। और मैं कोई बहुत महंगे कपड़े नहीं लेती हूँ एंड मैं बहुत ज़्यादा ट्रेंडी क्लोथ्स प्रेफर करती हूँ। अभी जो मैंने पहना है वो ये वेबसाइट का नहीं है, दिस इज़ माई कलेक्शन। एंड अभी जो मैं स्विच करने वाली हूँ, चलो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं बता देती हूँ मैं यस स्टाइल हॉल का वीडियो करने वाली हूँ एंड मैंने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया है कि मैं जो है वो स्प्रिंग में अपना जो फैशन है वो चेंज करने वाली हूँ। कोरियन स्टाइल या जो एशियन स्टाइल होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडी होता है एंड इसीलिए मुझे इनके कपड़े बहुत अच्छे लगते थे इस वेबसाइट पर। एंड हमेशा लगता था यार ये आएंगे कैसे, और ऐसा भी लगता था यार साइज़ ऐसा ना हो क्योंकि उन लोगों की जो बॉडी होती है वो बहुत डिफरेंट होती है। तो ऐसा लगता था यार जो साइज़ इन लोगों ने लिखा है वो एग्जैक्टली मुझे फिट होगा या नहीं। तो उन सब का आंसर मैं आपको दूंगी, लेकिन सबसे पहले मैं फर्स्ट स्टाइल चेंज कर रही हूँ और अगर आपको चेंज लगे तो ज़रूर बताना। तो 1 2 3 गाइज ये वाला जो लुक है ये एकदम कोरियन वाला लुक ही लग रहा होगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड अभी आपने देखा ही होगा ट्रेंड में बहुत ज़्यादा जो वाइड लेंथ की डेनिम्स हैं वो बहुत ज़्यादा ट्रेंडी हैं। हर एक जो ट्रेंडी ब्रांड्स हैं उसमें ये सब मिल रहा है और मैंने जो मॉम फिट जो मेरी फेवरेट थी उससे अब चेंज कर लिया है टू दिस एंड दिस लुक आई रियली लाइक इट। आप भी मुझे बताना कि ये जो मैंने लुक क्रिएट किया है ये आपको कैसा लगा। ये जो डेनिम है ये मैंने मीडियम साइज़ में मंगाई है तो मुझे जनरली 38 साइज़ आता है यहाँ का यूरोपियन, पर ये जो डेनिम है ये स्मॉल मीडियम इस साइज़ में था तो मैंने इसको मीडियम में मंगाया है। एंड मीडियम फिट्स मी द बेस्ट, मतलब एकदम सही जो साइजिंग लिखा था वैसा ही आया। मुझे थोड़ा ऐसा लग रहा था कि शायद नहीं आएगा बट देन इट्स कम लाइक दिस, सो दिस इज़ ब्यूटीफुल। तो मैं जो सेकेंड है वो ये चेंज करने वाली हूँ। ये है बहुत ही लूज टी शर्ट जो ऑफकोर्स कोरियन जो है वो ऐसे टी शर्ट्स बहुत पहनते हैं। तो चलो देखते हैं देखने में कैसा लग रहा है, इट्स लाइक कितनी लूज है, बट चलो चेंज करते हैं। मतलब मुझे तो मजा ही आ गया समर और स्प्रिंग में ये पहनना, तो मतलब बहुत ही अच्छा है। तो ये वाला जो लुक है मतलब सेम ही टी शर्ट है, दो कलर में मैंने मंगाई थी मीडियम साइज। मुझे वैसे स्मॉल साइज आता है यहाँ का, पर इसके लिए मैंने मुझे चाहती थी मैं ढीली ढीली एंड ऑफकोर्स
मतलब ढीले और भी कपड़े होते हैं, बट इसका जो फिट आ रहा है ना वो बहुत ही कूल आ रहा है, ट्रेंडी आ रहा है। मतलब अगर आप ये पहन के स्ट्रीट्स पे जाओगे तो सब आपको कूल ही समझेंगे। आई लाइक इट, आप लोग बताना कि इट्स गुड और नॉट, बट मेरे लिए मतलब मेरे स्टाइल के हिसाब से आई रियली लाइक इट। एंड ये पहनने के बाद मुझे ऐसा कोरियन वाला फील आ रहा है। सो दिस इज द अनदर वन जो कि एक्चुअली उल्टा पहना हुआ है, बट मेरे को दोनों ही तरफ से अच्छा लग रहा है। लास्ट वन आज का, मतलब ये जैसे ही पहना मुझे ऐसा लगा कि मैं 5 साल जो है वो छोटी उम्र हो गई है मेरी। बहुत बहुत ज्यादा कूल ड्रेस, आप देखो यहाँ पर मैं डाल देती हूँ। एंड बहुत जल्दी मैं इसमें या तो वीडियो बनाती दिखूंगी या घूमती फिरती हुई दिखूंगी, क्योंकि बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है। एंड दिस पॉकेट में भी आप कुछ रख सकते हो। चल साथ हमारा जो ये हॉल है वो खत्म होता है। बहुत ज्यादा मैंने स्टाइलिंग जो है इसमें ऐड नहीं करी, क्योंकि ऑफ कोर्स आई एम नॉट दैट पर्सन जो एक्सेसरीज बहुत ज्यादा कपड़ों के साथ जो है वो बहुत ज्यादा लुक्स ट्राई करती हूँ। तो दैट व्हाट आई हैव डन। एंड आपको इन सब में से सबसे अच्छा पीस क्या लगा? और जैसा कि मैंने आपको बताया, सब मैंने मीडियम साइज में ही ऑर्डर किया था। एंड एवरीथिंग लुक्स कूल, मतलब यूरोप में कूल कपड़े खरीदना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बट देयर इज़ वन वेबसाइट यश स्टाइल जहाँ से आप जो है वो कपड़े ऑर्डर कर सकते हो, एंड बहुत सस्ते होते हैं। तो प्राइजेस एंड लिंक सारी जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे होगी। द बेस्ट पार्ट इज कि मैं आप लोगों को एडिशनल 10% डिस्काउंट दूंगी, तो आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट मिलेगा। उसके साथ मैं एक चीज़ और बताती हूँ, बिकॉज ये जो सारे प्रोडक्ट्स हैं ये कोरिया से आते हैं या एशिया से आते हैं, तो इसे आने में एटलीस्ट 2 से 3 वीक लगते हैं। मतलब जो डिलीवरी होती है वो थोड़ी सी लेट होती है कंपैरेटिवली, बट 2 से 3 वीक्स में आपको मिल जाते हैं। एंड जो कॉस्मेटिक्स हैं वो भी बहुत अच्छे होते हैं, पर उसके लिए मैं कभी और वीडियो बनाऊंगी। एंड ऑफ कोर्स मैंने आपको आंसर दिया होगा कि मैं कहाँ से शॉपिंग करती हूँ, और आपको मेरा जो ये स्टाइल चैलेंज जो मैंने एक्सेप्ट किया था वो कैसा लगा। डू यू थिंक कि कुछ चेंजेस आए हैं कि आपको लग रहा है अरे यार ऐसी तो है सुरभि? जो भी है आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट करना। और आपको इसमें से कुछ भी ऑर्डर करना है तो आप यूरोप में अगर रहते हो तो ऑर्डर कर सकते हो, और आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। और ऐसे वीडियो आपको अगर अच्छे लगते हैं तो मुझे कमेंट करना, क्योंकि मुझे थोड़ा लगता है कि आपको अच्छे लगते हैं या नहीं। बट यार एज अ इंडियन गर्ल मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें भी बतानी चाहिए, तो उसके बारे में भी कमेंट करना कि हाँ आपको अच्छे लगते हैं या नहीं। तो गाइज आप लोगों को कैसे डिस्काउंट मिलेगा? तो वेबसाइट है, दिख रही होगी, तो वेबसाइट पे आपको एक मैं डिस्काउंट लिंक है, डिस्काउंट लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, उसे आप क्लिक करोगे तो डायरेक्टली आपको 10% मिलेगा। या फिर आप मेरा कूपन कोड भी यूज़ कर सकते हो इंडियन गर्ल 20, तो वो भी नीचे मैं टाइप कर रही हूँ। सारे गारमेंट्स की लिंक्स जो है वो भी नीचे डाल रही हूँ, जो आपको हेल्प करेगा अगर आपको सेम कुछ खरीदना है तो, और अगर नहीं भी खरीदना है तो आपको यहाँ पर गारमेंट्स में लाइक क्लोदिंग में अपैरल में सारी ही चीज़ें दिख जाएंगी। और मैंने कहीं कहीं वीडियो में वाइड एंगल बोला है, वाइड लेग जीन्स थी, या फिर अभी कुछ जो ब्रांड्स हैं इसे डेड फिट भी बोलते हैं, लाइक बहुत लूज डेड फिट। तो ये वाली जीन्स बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, एंड आई थिंक बिकॉज मैं कैमरा बहुत यूज़ करती हूँ इसलिए मैं वाइड एंगल बोल रही थी, सो सॉरी। एंड इसी के साथ मैं जाती हूँ, बाय गाइस।